मंगलम दंगलम। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं छापा मारने के लिए। इनकम टैक्स के रे? और हमें तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। पता नहीं मतलब? शर्मा ये तो फुल इंसल्ट हो गई। मैडम हम मेहमान थोड़ी ना जो फोन करके आएंगे। हम इनकम टैक्स वाले हैं, सीधा रेड मारने आते हैं और अब इस घर पे रेड करेंगे। लेकिन पापू तो घर पे है ही नहीं, तो आप लोग ना बाद में आइएगा। आप जाइए। बाद में आइएगा क्या मतलब? ओ मैडम, हम चंदा वाले नहीं है जो बाद में आएंगे। हम इनकम टैक्स का रेड मारने के लिए आए तो रेड मार के ही जाएंगे। आज मारेंगे, अभी मारेंगे, इसी वक्त मारेंगे। छापा मतलब रेड? कौन करेगा रेड? हम मार रहे हैं रेड। अच्छा, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। देखने से तो लग नहीं रहे आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स। लगते नहीं? अरे ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है शर्मा। हम लोग इनकम टैक्स वाले हैं। यो एक मिनट, आप बोल रहा है कि आप इनकम टैक्स वाला है, पर आम कैसे मानेगा कि आप इनकम टैक्स वाला है रियल में? क्योंकि आपका जैसा हमारा दूध वाला भी दिखता है। ओ, हम दूध वाले नहीं है, हम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले। यो। अरे नहीं नहीं, अर्जुन का मतलब है आपके पास कोई आईडी तो होगी ना? लो शर्मा, ये लोग अब हमारी आईडी भी मांग रहे। कोई बात नहीं, आईडी दिखा देंगे। दिखाओ आईडी। ये देखिए। रियल में? सॉरी सॉरी, हो गई तसल्ली? हाँ हो गया हो गया हो गया। आप रियल में ऑफिसर है क्या? है आजकल बहुत फ्रॉड लोग आता है ना, तो उसका लिए आईडी का बहुत जरूरी होता है। डोंट वरी, आप अपना काम करो, आप डिस्टर्ब नहीं करेगा। करने दो, करने दो। लेकिन अच्छा पापू तो घर पे है नहीं और ये लोग। और रूमी बेटा क्या है, तुम्हारा पापू कुछ गलत काम नहीं किया है हा? तो उसका पास ब्लैक मनी भी नहीं होगा हा? और ये सरकारी लोग है, उनको अपना काम करने तो डिस्टर्ब नहीं करते हा? सपोर्ट करते। आप करो, यू कैरी ऑन, कैरी ऑन। लेकिन मैं अर्जुन को कॉल करके बता देती हूँ कि घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। एक मिनट मैडम, कोई फोन कॉल नहीं कर सकते आप। हमारे डिपार्टमेंट का एक रूल है, जब तक रेट चलता है हम कोई भी फोन ना तो जाने देंगे ना तो आने देंगे। अरे मैं तो अपने हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ, उनको तो कॉल कर ही सकती हूँ ना। मैंने बोला कोई फोन कॉल नहीं तो कोई फोन कॉल नहीं। सब लोग अपने अपने फोन जमा कीजिए, ना किसी का फोन आएगा और ना किसी का फोन जाएगा। Is that clear? Okay, okay, okay. चलिए रखिए अपने अपने फोन। घर का मेन डोर अंदर से लॉक कर। घर का दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हैं आप? क्योंकि जब तक रेट चलेगी ना कोई घर के अंदर आएगा ना कोई घर के बाहर जाएगा। अब शुरू होने वाली है रेट। शर्मा। यस सर। घर का एक एक कोना छान मारो। ओके सर। अयो सुनो, यो हमारा बात, यो ओयो रुको रुको। शर्मा घर के एक एक सामान की लिस्ट बनाओ, शुरू करो फास्ट। ओके सर। कौन रहता है इस रूम में? मैं सर, साहल सकलेचा। वेलकम टू माय रूम। शिट, इसमें बैठ कर बच्चे खाएंगे। कितने गंदे आदमी हो यार तुम, पूरे रूम में गंदगी रखी है। हटो यहां से। सर 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 सर, आप अगली बार आएंगे ना पूरा रूम साफ रखूंगा पक्का। खाइए। शिट का टेस्ट करता सॉस के साथ। अरे यार खाना ही नहीं है इनको कुछ। सर गंदा मत करना सर प्लीज, मम्मी डांटो। अरे सब गिरा दोगे क्या आप? ऐसे मम्मी डांटती है फिर। वो ऑफिसर, ये क्या, ये कोई रखता है सब? Oh shit, मेरे बचपन का खिलौना। थैंक यू सर, लव यू। इससे ना मैं बचपन में सबको डराता था इसे।
जी तो चाहता है तुझे भी जब करके ले चलूं। अपने माँ बाप की जिंदगी में नाक हो तुम नाक। जहरीला? अरे सर हमारा बात सुनो। ये कुछ नहीं, ये बुक्स है, बुक्स। हम बहुत बुक्स पढ़ता है। Nothing is there. आप मेरा बात मानो, सुनो। अयो हमारा क्लोज है, कपड़ा है हमारा सारा। ये जेवर? किसके सारे जेवर? यो ये सारा हमारा है। क्या? हाँ? ये सारे जेवर तुम्हारे? हाँ? तो क्या आप औरतों के जेवर पहनते? यो बहुत तो कॉमेडी करता है तुम। ये हमारा मतलब है, हमारा वाइफ जी का है। किसी जी का भी हो, ये सारे जेवर रेड में मिले, अब तो जब्ती होंगे। अयो ये रेड आप इस घर में मार रहे हो, हम इस घर का मेहमान है, आप ये ऐसा कैसे जब्त कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? और इस बात का क्या सबूत है कि आप घर में मेहमान है? और अगर आप चाहते हैं कि सारे जेवर जब्त ना करें तो दिखाइए रसीद। रसीद है हमारा पास, ये सबका रसीद है हमारा पास। वो हमारा उस घर में रसीद है। आई टोल्ड यू ना, हम इस घर में मेहमान है तो हम चुपचाप खड़े रहो वरना सरकारी काम में दखल देने के लिए अरेस्ट करवा दूंगा। चुप, समझे? हम बोला था जेवर जेवर मत लेके आना। अयो हमारा बात तो सुनो जी, निशा हमारा बात सुनो, हम क्या बोलता है, ऐसा कुछ घर कुछ नहीं है। सुनो हमारा बात तो सुनो, हमारा बात सुनो। ऑफिसर देखिए आप पूरे घर की तलाशी ले चुके, आपको कोई ब्लैक मनी नहीं मिला, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे? देखिए हमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों ने करोड़ों की ब्लैक मनी छुपा के रखी है और हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। लेकिन अभी तक आपको कुछ मिला तो नहीं है ना? मिला तो नहीं पर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आई नो पिक्चर है। शर्मा जी। जी सर। रूम की तलाशी लो। ओ हम पकड़ेगा। अरे वो मम्मी का परफ्यूम है, संभाल ली, मिल जाएगा। सर कुछ भी नहीं मिला। व्हाट? नहीं मिला ना आपको कुछ? हो गई ना तसल्ली, नहीं है हमारे घर में ब्लैक मनी। झूठी खबर नहीं मिली है मैडम, लेकिन अगर पूरे घर में ब्लैक मनी नहीं है तो है कहाँ? मुझे क्या पता। शर्मा। यस सर। कबाड़ खोलो। ओके सर। सर लॉक है। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी नहीं, नहीं है चाबी। ऐसा कभी होता है क्या मैडम? कबाट है तो चाबी भी होगी, जल्दी दो चाबी। चाबी नदी में गिर गई थी और मिली नहीं, अब कोई चाबी नहीं है। देखिए मैडम समझाइए इनको, चाबी दे दे वरना इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। क्या अरेस्ट मतलब जेल? लेकिन क्यों, क्यों मैं जेल जाऊंगी? मम्मी जिद मत कीजिए ना, दे दीजिए चाबी प्लीज। मेरे पास कोई चाबी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। अयो मिस्टर सकेचा हमारा बात मानो, ये देखो इनको कोऑपरेट करो, पहले से हमारा बीबी का हमारा वाइफ जी का ज्वेलरी लेके बैठा ये, अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो वो लेके जाएगा। मेरे पास लेकिन चाबी है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? देखिए आपको मेरी कसम, मेरी कसम प्लीज चाबी दे दीजिए। रोमी नहीं दे दीजिए ना मम्मी। दीजिए दीजिए मम्मा दीजिए।
एक मिनट, मैं देखती हूँ। मम्मी अभी आपने मेरी कसम खाई, कर लीजिए। देखते हैं। ये लो शर्मा, कबाट खोल। अंकल जरा संभाल के, पापा को कपड़े से गंदे हो जाते ना, पसंद नहीं आता। संभाल के। सर ये क्या हुआ? पैसे ही नहीं। कहाँ गए पैसे? जितनी 11 करोड़ रुपए होने चाहिए इसमें। हाँ लेकिन पैसे गए कहाँ? खबर तो पक्की थी 11 करोड़ की। हो गई ना तसल्ली, नहीं मिला ना आपको कुछ? अब तो आप मान गए ना इस घर में कोई ब्लैक मनी नहीं है। यो यो वेट वेट, आप किधर जा रहे हैं? आप हमारा वाइफ जी का ज्वेलरी लिया, आपका सामने इतना ज्वेलरी पड़ा हुआ है, आप उसको लेने जा रहा है? हमारा वाइफ जी का लेके जा रहा है, हमारा वाइफ ज्वेलरी वापस दो। शट अप शर्मा। यस सर। सारे जेवर जब्त कर लो। तकिए से चोट कैसे लगी? नहीं लगी, नहीं लगी। शर्मा चेक कर। जी सर। नहीं 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 नहीं, ये पिलो है, पिलो 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 है ना, ये तो सर तकिया ही छोड़ दीजिए ना ये। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। लिसन मिश्रा, यो मकान मकान लगाओ। आप अपन के नाम का मजाक उड़ा रही हैं? है? अगर अपन आपके नाम का मजाक उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा? अयो हम तुम्हारे नाम का किधर मजाक उड़ाया? अभी उड़ाया, यही उड़ाया। अब आप जानबूझकर भोली बन रही है। अपन जानते हैं अपन गरीब आदमी ना, इसलिए आप अपन का मजाक उड़ा रही है। अगर अपन के मालिक होते ना यहाँ पे तो आपको जवाब देते इस बात का। मालिक बिल्कुल नहीं सुन सकते हमारे नाम का मजाक। अपन 5 साल के थे जब मालिक अपने को घर ले आए थे। तुम्हारे नौटंकी का खत्म हो गया है तो हमें कुछ बोलेगा? अरे यहाँ आपने दिन दहाड़े खुले आम हमारे नाम का मजाक उड़ा दिया और आपको नौटंकी लग रही है जे? और नहीं तो क्या बोलेगा? हम कौन से तुम्हारे नाम का मजाक उड़ा है हमको बोलो। हमें बोला मक्खन लगाओ। आपने बोला ना मक्खन लगा दो। अयो हम मक्खन लगाओ का मतलब ये बोला कि वो बटर वाला मक्खन लगाओ नहीं बोला, वो बोला कि ओ ये प्राइस टैग लगाओ, वो पुराना वाला निकाल के ये वाला प्राइस टैग लगाओ। अच्छा प्राइस टैग? अयो प्राइस नहीं प्राइस, वही वही। हेलो लगाओ। क्यों लगा दूं? पहले से प्राइस टैग लगा हुआ है ना। पकड़ो इसको, ये जितना भी सब 1000 रुपीज का सामान है उसमें सब में 700 का वो टैग लगा दो। 1000 रुपए की चीज 700 रुपए में? अरे क्या कर रही है आप कुटी आंटी, इससे तो सारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैसे लॉस होएगा? 1000 रुपीज का चीज अगर 700 में मिलेगा तो लोगों जल्दी जल्दी खरीदने के लिए आएगा कि नहीं? वाह अच्छा अच्छा गणित लगाया आपने। मतलब आप क्या कह रही है, हमारे मालिक को धंधा करने की अकल नहीं है क्या? ये बात एकदम सच बोला माकन, तुम्हारा ना साकलेजा को सच में थोड़ा अकल कमी है। कुटी आंटी हमारा मजाक उड़ा लो, हमारे मालिक के बारे में कुछ मत बोलना, अपन बिल्कुल नहीं सुन सकते। और एक बात और सुन लो आप, हम सिर्फ अपने मालिक की सुनते हैं, उन्हीं का हुक्म मानते हैं बस, इसलिए अपन जे प्राइस टैग नहीं लगाएंगे। तुम हमारे बात नहीं मानेगा ये बोल रहे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तीन बार नहीं मानेगा? नहीं नहीं नहीं, 4 बार नहीं मानेंगे। ठीक है
आम अर्जुन को फोन करके बोलता है कि आमो को ये दुकान संभालने में तुम्हारा हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप क्या अपन फोन मिलाते हैं जीजू को, अब बताते हैं आप अपन को धंधा नहीं करने दे रही है। आप ना अपने घर जाइए और वहाँ पे जाके आराम कीजिए। तुम हमारा आराम की चिंता मत करो। आम अर्जुन को बोला है कि ये दुकान संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लिया है, तो अभी हम इसको पूरा करके रहेगा। हम देखते तुम कैसे हमारा बात नहीं मानता है। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। अरे आप तो ये दुकान बंद करवा के छोड़ेगी। हाँ हम भी ये दुकान बंद करवा के छोड़ेगा, क्योंकि एक तो तुम लोग इतना महंगा में सामान बेचता है, लोगों को ठगता है, लोगों को लूटता है और फिर हमको सिखाता है। अपन किसी को नहीं ठग रिया। आयो फोन। हाँ हेलो ललिता। यस आयो कैसा? हाँ तुम अच्छे को संभालो, हम लोग अभी आता है। हाँ 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 क्या हुआ कुट्टी आंटी? वो घर में वो इनकम टैक्स का रेड पड़ा बोलते हैं। आपके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई? अयो हमारा घर पे नहीं, तुम्हारा घर पे, वो तुम्हारा सकलेचा साधन पे रेड पड़ गया इनकम टैक्स का। हमारे घर में इनकम टैक्स की रेड? हाँ। ग्यारह करोड़ रूमी के पापों के। ग्यारह करोड़, ग्यारह करोड़। अयो ये 11 करोड़ बोल के बेहोश क्यों हो रहा है? अम्मा वो इनकम टैक्स वाले आए थे, 11 करोड़ रुपए ले गए। हैं? 11 करोड़ा? 11 करोड़? लेकिन सकलेचा के पास 11 करोड़ आया किधर से? और अगर आ भी गया तो वो घर में क्यों रखा? अम्मा वो पापू ने ना मार्केट से उठाए थे, अपनी दुकान और घर गिरवी रख के बिजनेस के लिए, और इनकम टैक्स वाले वो 11 करोड़ रुपए लेके चले गए। पर 11 करोड़ घर में रखा किधर था? अम्मा मम्मी ने ना तकिए में छिपा के रखा था। हाँ? ये कैसे रेड था? हाँ इनकम टैक्स वाला जब आता है तो पहला एक नोटिस भेजता है। कोई नोटिस आया था घर में? नहीं अम्मा कोई नोटिस नहीं आया था। हाँ अगर नोटिस दिया होता तो मम्मी थोड़ी पैसे तकिए में छुपाती। यो वाइफ जी, वो इनकम टैक्स वाला आए थे ना, वो पैसा के साथ साथ संगीता जी का ज्वेलरी भी लेके गया। अयो ये तो बहुत बुरा हो गया, एक औरत ज्वेलरी के बिना कैसे रह सकते हैं? हाँ जो भी हुआ ना बहुत गलत है, लेकिन वो ज्वेलरी क्यों लेके गया? वो उनका पास उसका रसीद नहीं मिला ना, रसीद नहीं था इसलिए। ये बहुत गलत है ना संगीता जी, ये ज्वेलरी लेने के बाद रिसिप्ट कंपलसरी होना मांगते है कि नहीं? रिसिप्ट लेने का फिर ज्वेलरी खरीदने का। हमारे पास हमारा सब ज्वेलरी का रिसिप्ट है मालूम है। अयो वाइफ जी एक और बात बोलना था, वो इनकम टैक्स वाला संगीता जी का पैसा और जेवर लेके गया, वो तुम्हारा भी जेवर लेके गया? हमारी ज्वेलरी भी? अयो वाइफ जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा, तेरी तुम्हारी अम्मा भी मेरी अम्मा मतलब मम्मी की तरह बेहोश हो गई। अम्मा उठो ना। हाँ पापू, पापू वो ना मम्मी ना वो यो उनको कुछ मत बोलना। ये तो यहाँ पे इन दोनों का जो हालत हो गया है ना वो उनको वहाँ पे हो जाएगा। एक काम करो अर्जुन आने के बाद उनसे बात करता है। अभी कुछ मत बोलना। हाँ हेलो पापू, मम्मी मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो ना वो सोई हुई है इसलिए वो फोन नहीं उठा रही है। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बाय पापू। यो देखो उनको, अपना माँ को देखो, हम हमारे वाइफ जी को देखता है। हमारा पूरा ज्वेलरी लेके गए। आयो आयो हमारा तो 11 करोड़ और जेवर भी ले गए। आप दोनों शांत हो जाइए ना, आपके रोने से कुछ वापस आ जाएगा क्या? हाँ ये रूमी बहुत सच्चा बोलता है। तुम्हें एकदम चुप रहो मिस्टर कुट्टी, तुम हमारे ज्वेलरी नहीं बचा पाया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अयो काय का मॉर्निंग अर्जुना। वैसे वो रात को आने वाला था लेकिन आज जल्दी आ गया थोड़ा, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है? क्यों मुंह क्यों उतरे हुए हैं सब लोगों के? सब ठीक है क्या हुआ? देखो अर्जुन क्या हुआ,
एक सेकेंड, क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। 11 करोड़ ज्वेलरी चोर, क्या 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 बातें क्या चल रही है, क्या हुआ? एक एक करके बोलेंगे अभी सब लोग। बस अर्जुन, हमारे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। क्या इनकम टैक्स की रेड? क्या चिंदी लेके जाएंगे यहाँ से ससुर जी के तिजोरी से? तो क्या मजाक कर रहे हो यार तुम रूमी? यो अर्जुन कदना, ये रूमी मजाक नहीं कर रहा है। सच पूछ का इनकम टैक्स का ऑफिसर आया था और अब ये डाल के चला गया। क्या? मेरे 11 करोड़ और सेवर भी, मेरे 11 करोड़ जो मैंने तक्की में छिपाए थे वो भी ले गए। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम।